आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारी में जुटी बीजेपी ने शनिवार को यूपी और उत्तराखंड समेत 23 राज्यों के नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी दी है। बीजेपी ने 21 राज्यों के बनाए गए नए प्रभारी की लिस्ट पोस्ट की है। यूपी में बीजेपी ने बैजयंत पांडा को अपना नया प्रभारी बनाया, तो वहीं उत्तराखंड के प्रभारी की जिम्मेदारी दुष्यंत गौतम को सौंपी। अब आप ये जान लीजिए कि किस किस राज्य में बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। बीजेपी ने अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अपने प्रभारी के नाम का ऐलान किया। बात करें यूपी के प्रभारी बैजयंत पांडा की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नया नाम नहीं है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, असम और दिल्ली के प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो ओडिशा से 4 बार सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को फिर से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है। इससे पहले भी वो बीते 3 सालों से राज्य में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीते लंबे समय से यूपी के नए प्रभारी को लेकर कई नामों की अटकलें चल रही थी, लेकिन लिस्ट आने के बाद अब इन अटकलों पर विराम लग गया है।